अमन गिरी जी, विधायक जी, हम बहुत जमाने से और आप भी अपने बचपन से एक बात सुनते चले आ रहे होंगे कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, यह आप भी सुन रहे होंगे। ये अलग बात है कि इन दिनों कुछ ऐसे लोग भी कामयाब हुए हैं जिनके पीछे कोई औरत नहीं है, है ना? बात सही है ना? और इसका दूसरा पहलू यह है कि कहा तो यह जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन इसको दूसरी तरह से ऐसे भी कहा जा सकता है कि आज के जमाने की औरत इतनी होशियार है कि हमेशा हाथ ही कामयाब आदमी के पीछे रखती है। यह इसका दूसरा पहलू है। लेकिन मैं बहुत देर से औरतों के बारे में अगर इस तरह की नेगेटिव बातचीत करूंगा तो निकलते वक्त मेरी जो है खैरियत नहीं है, तो इसलिए मैं अपने बहनों के मतलब की भी एक बात कहता चलूं। यहां भी मेरी कुछ बहनें बैठी हैं और सामने भी एक अच्छी तादाद में हमारी बहनें हैं। आमतौर पर मुशायरों में मैं अपनी बहनों को इन दिनों एक मशवरा दे रहा हूं, आपको भी वो मशवरा देना चाहता हूं, और वो ये है कि अगर आपके शौहर, अगर आपके पतिदेव खाना खा रहे हैं और वो खाने की टेबल पर बैठे हैं या दस्तरखान पर बैठे हैं और खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते अगर वो अचानक आपसे अचार मांगने लगे तो इसका मतलब यह है कि आपकी सब्जी में दम नहीं है। नहीं, अब इसमें कोई दिमाग लगाना है, तो सीधी सीधी बात है कि खाना खाते खाते अगर अचानक अचार मांगा जा रहा है तो इसका मतलब सब्जी में दम नहीं है। और आपको यह भी मान लेना चाहिए कि दम आपके पतिदेव में भी नहीं है जो ये बात आपसे कह सके कि सब्जी में दम नहीं है। तो ये मामले इसी तरह से चलते हैं। बहरहाल आप बहुत खुश हुए, आइए अब दुनिया की आधी आबादी का जिक्र करते हैं जो खवातीन की आबादी है, महिलाओं की आबादी है। एक औरत आपकी जिंदगी में हमेशा आपके साथ रहती है, कभी वो बेटी के किरदार में होती है, कभी वो बहन होती है, कभी वो बीवी होती है, कभी माँ होती है। ये अलग अलग किरदार निभाते निभाते एक औरत क्या सोचती है, क्या महसूस करती है, इसे अगर समझना है तो हमें किसी शायरा से उसका कलाम सुनना होगा। मेरी फहरिस्त में जो बहुत ही मशहूर और मारूफ शायरा यहाँ मौजूद हैं, मैं उन्हें अब माइक पर बुलाने जा रहा हूँ। एक शेर नजर करता हूँ कि मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे और ये भी चाहती हूँ कि तू अपने घर न जाए। एक शायरा ने शेर यूं भी कहा कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो आइए एक औरत के जज्बात और एहसासात को समझते हैं। आपकी खामोशी बता रही है कि आप उनका इंतजार कर रहे हैं। अब इस खामोशी को तालियों की गूंज में बदलिए क्योंकि मैं आपको आवाज देने जा रहा हूं मोहतरमा निकहत अमरोही को। अमरोहा से तशरीफ लाने वाली ये मेहमान शायरा अब आपके बीच माइक पर। निकहत अमरोही आपके हवाले, आप निकहत अमरोही के हवाले और आप सब अल्लाह के हवाले। हाजरीन महफिल अस्सलाम वालेकुम। जितने हैं मेरे हिंदू भाई तशरीफ रखते हैं उनको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मधुकर शदाई सर का हुक्म, मेरी एक बार फिर आपके दयार में हाजिरी। बहुत अच्छी अच्छी बातें नदीम फर्रुख साहब अभी आपको बता रहे थे, उन्होंने सबको अल्लाह के हवाले कर दिया, सब में वो खुद भी शामिल हो गए। मैं यहाँ पर पहले एक बात ये देखना चाहती हूँ, एक बार हाथ उठा के मुझे बताइएगा कि मेरे हिंदू भाई कितने तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पर। हाथ उठा दीजिए ज़रा सा, थोड़ा सा, ताकि मुझे ठीक है। मैं चार पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। पवन गिरी सर आप यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैंने आपको शेर सुनाने के लिए बुलाया था, आप तो जनगणना में लग गई। असल में देखिए एक बात आपको बताती चलूँ कि जिन्हें घर में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है उन्हीं को संचालन करने के लिए ये जिम्मेदारी दे दी जाती है। ये बीच बीच में कबाब में हड्डी बनने का काम करेंगे तो मैं जानती हूँ, मगर मेरे पास इनकी हर बात का जवाब पहले से पहले मौजूद है। तो मैं यहाँ से फिलहाल चार पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ जो मुझे पढ़ना है। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, इतने काफ़ी तादाद में आप सब यहाँ मौजूद हैं तरावी पढ़ने के बाद। मैं चाहती हूँ एक एक शख्स की शिरकत हो अगर मेरी बात सही हो। जितने मेरे हिंदू भाई तशरीफ रखते हैं मैं चाहती हूँ हाथ खोले, मैं चार पंक्तियाँ उनके लिए पढ़ती हूँ, पहले सुनिएगा, आप सब भी शिरकत कीजिएगा। इरशाद। मेरे सब गीत गजलें प्रेम की बोछार करते हैं। वाह गिरी सर सुनिएगा।
मेरे सब गीत गजलें प्रेम की बोछार करते हैं, तमन्नाओं के गुलशन को गुले गुलजार करते हैं, तमन्नाओं के गुलशन को गुले गुलजार करते हैं। मैं मुस्लिम हूँ मगर ये सोच करके मैं चली आई, प्रभु श्री राम दुनिया में सभी से प्यार करते हैं, प्रभु श्री राम दुनिया में सभी से प्यार करते हैं। मेरे जितने मुस्लिम भाई हैं वो भी शिरकत कीजिए, मैं अब उनके लिए पढ़ती हूँ, सुनिएगा सर, चार पंक्ति और पढ़ती हूँ जी, ठीक है। कुछ सिख भी बैठे हैं। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े। जितने मेरे मुस्लिम भाई तशरीफ रखते हैं बतौर खास, और जितने हिंदू भाई तशरीफ रखते हैं सभी के लिए पढ़ती हूँ, शिरकत कीजिएगा इन चार में से में। कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े, ऐसी फजा बना मेरे देशवासियों, ऐसी फजा बना मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, वाह 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 वाह, जले तो मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर जले तो मुसलमान। निकट ऐसा है, आपने दो तरह से जनगणना की, पूछा कि हिंदू भाई कितने हैं, फिर पूछा मुसलमान भाई कितने हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपने देखा कि आपने जब पहले चार पंक्तियां पढ़ी उसमें भी मेरी बिरादरी के जितने भी मर्द बैठे हैं इन्होंने सब ने तालियां बजाई, दूसरी बार जब चार पंक्तियां पढ़ी फिर सब लोगों ने तालियां बजाई, आपकी तरफ से जो बहनें यहां बैठी हैं इन्होंने किसी ने भी ताली नहीं बजाई। आज फिर ये बात साबित हो गई कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन कोई औरत ही हो सकती है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल एक बार फिर साबित हो गई। अच्छा, आप औरत पे इतने प्रहार क्यों कर रहे हैं ये बताइए। अरे वो दाद नहीं दे रही है, कोई बात नहीं, मेरे साथ इतने लोग मौजूद है मुझे उनकी दाद की जरूरत भी नहीं है, अगर वो हाथ खोलेंगे अपने तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आप मुशायरा या कवि सम्मेलन सुनने के लिए जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी शिरकत कीजिएगा। और वैसे भी हमारे मंत्री जी जो हैं दानिश आज़ाद साहब वो जा चुके हैं, और हमारे ये जो खूबसूरत से हमारे विधायक जी बैठे हैं इन्होंने बिल्कुल सबको आपको आज की रात बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है, तो आप लोग शिरकत कीजिए। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा एक बार फिर, चार पंक्तियाँ पढ़ती हूँ ये वाली, दोबारा से शिरकत करें, समाप्त कीजिएगा। कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े, ऐसी फजा बना मेरे देशवासियों, ऐसी फजा बना मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। चार पंक्तियां बेटियों के हवाले से पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ, इसी जमीन इसी आसमां की बेटी, इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ, ये खुश नसीबी है मेरी यहाँ की बेटी हूँ, ये खुश नसीबी है मेरी यहाँ की बेटी हूँ, मैं क्या हूँ कौन हूँ इससे गरज नहीं कोई, मैं क्या हूँ कौन हूँ इससे गरज नहीं कोई, यही बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी हूँ, यही बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी हूँ, यही बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी हूँ। चार पंक्तियां और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने तिरंगे के हवाले से पढ़ना चाहती हूँ, एक बार इजाजत दीजिए जोरदार तालियां बजा के ताकि मुझे लगे। पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
पढ़िए, कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है। मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है। मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, ये तिरंगा की शान है, ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए यहाँ से मैं कुछ हमारे नौजवान दोस्त तशरीफ रखते हैं, उनके लिए पढ़ती हूँ एक मतला एक शेर, उसके बाद फिर एक गजल, उसके बाद फिर एक गीत जिसका मुझे हुक्म है, सुनिएगा जी। ये नौजवान दोस्तों को सुनना, आपको नहीं सुनना है, आप नौजवान की लिस्ट में नहीं, आप लोग सुनिए। देखिए मैं अक्सर बताता हूँ, नौजवानों की भी शिरकत कर रही हूँ, मगर उन्होंने तो मसला ये नहीं है। आप लोग जो है ये गलती करते हैं कि ये कह के कि ये शेर नौजवानों के लिए है, आप शेर को छोटा कर देते हैं, थोड़े एरिए के लिए कर देते हैं रिजर्व। बात यह है कि आमतौर पर नौजवान खामखा बेचारे बदनाम है कि इनों की तरफ से खेल बिगड़ा है, असल खेल तो अक्सर बुजुर्गों की तरफ से बिगड़ा है। अगर ये बात मेरी सोनी भैया गलत होती तो आसाराम बापू जेल में नहीं होते, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नौजवान तो बेचारे खामखा बदनाम है। नदीम साहब आपने मेरे जुमले पर गौर नहीं किया, मैंने कहा ये शेर नौजवानों की नजर है और नौजवानों में मेरे भूतपूर्व नौजवान भी शामिल होते हैं, चाहे वो बूढ़े हों या जवान हों, दिल हर किसी का चाहे बूढ़ा भी हो मगर वो दिल उसी स्पीड से धड़कता है जिस स्पीड से धड़कना चाहिए। तो आप बेकार में कबाब में हड्डी बन रहे, मैं पहले ही कह रही थी, मैं पढ़ती हूँ सुनिएगा, एक शेर एक मतलब एक शेर पढ़ती हूँ सुनिएगा, नदीम साहब आप गौर से सुनिएगा। असल में जब आई तो कह रहे निखत नंबर अगर ले लो आप मेरा अगर चाहो तो, मैंने कहा नहीं नदीम साहब आपके नंबर की जरूरत नहीं है, आपका नंबर इतने लोगों को बढ़ चुका है, इतनी शायरात में बढ़ चुका है कि मुझे आपके नंबर की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ती हूँ सुनिएगा, कि वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा, अगर बात सच्ची हो तो आप सभी की पहली सफ से लेकर के आखिरी सफ तक तालियां उठनी चाहिएगा, सुनिएगा, कि वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, ये समझ ले कोई मंजर भी मुझे याद नहीं, ये समझ ले कोई मंजर भी मुझे याद नहीं। क्या वहाँ जो मेरे भाई बैठे हैं उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं? अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो रद्दे अमल आना चाहिए। मैं शेर पढ़ती हूँ सुनिएगा, कि तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं, और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरी तरह से दोस्ती की आड़ में दुश्मनी निभा रहे हैं, तो मतलब पढ़ती हूँ गजल का आप तक पहुंचाती हूँ, शिरकत कीजिएगा सुनिएगा, कि दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्ती का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्ती का भरोसा नहीं है, हाल दिल अपना किसको सुनाऊं, हाल दिल अपना किसको सुनाऊं, अब किसी का भरोसा नहीं, हाल दिल अपना किसको सुनाऊं। एक शेर हमारे मोहतरम आबरूए गजल खुर्शीद हैदर मुजफ्फरनगरी ने पढ़ा था, कि साहब ने पढ़ा था कि जो जिनके बेटे मुलाजमत करने के लिए विदेश में हैं
बाहर गए हुए हैं, उन माँ बाप के दिल का कर्व मैं इस शेर में कुछ बयान करना चाहती हूँ। अगर किसी लायक हो तो आप सभी की ताईद चाहती हूँ, समाज कीजिएगा। के दीद को अब तरसती है आंखें, क्या कहना, रात दिन ये बरसती है आंखें, दीद को अब तरसती है आंखें, रात दिन ये बरसती है आंखें, लौट कई घर चले आओ बेटे, लौट कई घर चले आओ बेटे, जिंदगी का भरोसा नहीं। निकट बहुत अच्छा शेर है, वाह 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 बेटे, जिंदगी का भरोसा नहीं है, वाह 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 दुश्मन छुपे हैं। एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, छोटी बहनें अगर यहाँ तशरीफ रखती हैं, अगर शेर सच्चा हो तो आप सबकी ताईद चाहती हूँ। सुनिएगा नदीम साहब जी। जी अच्छा, अच्छा नहीं मैं आपको सुना रही हूँ क्योंकि इस शेर में जो किसी एक ही इंसान का जिक्र किया गया है तो मैं सुना रही हूँ आपको। सुनिएगा, मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम ना आना, मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम ना आना, कब मुकर जाए वादे से अपने, कब मुकर जाए वादे से अपने, आदमी का भरोसा नहीं है, कब मुकर जाए। ये शेर वाह वाह अच्छा है, वाह। देखिए जहाँ शेर था वहाँ पहुँच गया, आप बेकार में तालियां नहीं बजा रहे, जोरदार तालियां बजा के बताइएगा कि हाँ की ये। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुझे जानती हूँ मैं कि बाद में यहाँ से जाने के बाद क्या होने वाला है, तो वो मुझे पता है, मगर मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं ठीक है कि मशवरा है मेरा मेरी बहनों, वाह, उसके बहकाए में तुम ना आना, कब मुकर जाए वादे से अपने, कब मुकर जाए वादे से अपने, आदमी का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। क्यों भरोसा नहीं है अमन सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ, सुनिएगा। मेरी जो बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, क्योंकि हद से ज्यादा भरोसा इंसान पर नुकसान देता है, सुनिएगा। कि टूट कर मैं बिखरने लगी हूँ, अपने साए से डरने लगी हूँ, टूट कर मैं बिखरने लगी हूँ, अपने साए से डरने लगी हूँ, घर से निकली थी जिसके भरोसे, घर से निकली थी जिसके भरोसे, अब उसी का भरोसा नहीं है, घर से निकली थी जिसके भरोसे, अब उसी का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। शेर आखिर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, समाज कीजिएगा। इरशाद कि गर अचानक खुशी मिल भी जाए, वाह, दिल ये कहता है घबरा के हाय, क्या कहना, गर अचानक खुशी मिल भी जाए, दिल ये कहता है घबरा के हाय, इस खुशी को भी खा जाएंगे गम, इस खुशी को भी खा जाएंगे हम, इस खुशी का भरोसा नहीं है, इस खुशी को भी खा जाएंगे हम। मक्ता पेशे खिदमत है, समाप्त करें। कि आपने दर्द नकहत को बख्शे, इतने हम दर्द क्यों बन रहे हैं, आपने दर्द
हक हद को बख्शे इतने हम बैत क्यों बन रहे हैं। मैं तो हर हाल में मुतमईन हूँ, मैं तो हर हाल में मुतमईन हूँ, आप ही का भरोसा नहीं है। मैं तो हर हाल में मुतमईन हूँ। एक गीत के लिए मुझे हुक्म हुआ था, हालांकि मैं 3-4 मरतबा मेरी भी हाजिरी यहाँ हो चुकी है और वो गीत मैं पढ़ती चली आ रही हूँ। पढ़ना कुछ और चाहती थी मगर उस गीत के लिए हुक्म है अरे रे बाबा ना बाबा। अगर आप सबकी इजाज़त हो तो मैं फिर उस गीत को पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर एक माँ के हवाले से एक मुझे छोटी सी नज़्म आप तक पहुँचानी है, उसके बाद आप सभी की जहमत है तमाम सुनिएगा। पढ़िए। मैं तुझको सिखाऊं प्यार अरे रे बाबा ना बाबा, ऐसे नहीं, आप थोड़ा सा खुल जाइए, ऐसा लगना चाहिए कि आप इस गीत को पहली बार सुन रहे हैं, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, ताकि मैं भी थोड़ा सा कंजूसी से काम न लूं और आप तक पूरा गीत पहुंचाऊं। सुनिएगा कि मैं तुझको सिखाऊं प्यार अरे रे बाबा ना बाबा। अगर जितनी बहनें मेरे यहाँ तशरीफ़ रखती हैं अगर वो भी इस गीत में शिरकत करेंगी, क्योंकि उनके मतलब की बात हो रही है, तो मैं और आप सब लोगों के भी मतलब की बात है ये। मैं पढ़ती हूँ क्योंकि इंसाफ परस्ती हर जगह होनी चाहिए, चाहे वो घर हो या बाहर हो या किसी के भी साथ आप बैठे हुए हो। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि मैं तुझको सिखाऊं प्यार अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार अरे रे बाबा ना बाबा। कोशिश है मेरी बेकार अरे रे बाबा ना बाबा। कोशिश है मेरी बेकार अरे रे बाबा ना बाबा। इन्होंने कहा था कि शादीशुदा बैठे हैं, बगैर शादीशुदा बैठे हैं, तो यहाँ बिना शादीशुदा जो बैठे हैं वो कितने, ज़रा हाथ उठा के बताइए मुझे। अच्छे बहुत बैठे हुए हैं। और जो भाई शादीशुदा बैठे हुए हैं, बस वो लोग खामोश बैठे हैं कि जिनके साथ भाभियाँ आई हुई हैं, बाकी वो इस गीत में शिरकत कर सकते हैं। मगर भाभियों के होने के बाद भी आप इस गीत में शिरकत यूँ कर सकते हैं कि अगर आपने इस गीत में तालियाँ नहीं बजाईं तो आप यकीन करिएगा कि घर में जाके आपसे हकीकत में सवाल हो सकता है। अब मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, माथे पे शिकन हो तेरे तो दर्द हो मेरे सर में, बदले कितने साथी तूने इस एक सफर में, तू घूमे दुनिया भर में मैं कैद रहूं तेरे घर में, दोहरा है तेरा किरदार अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार अरे रे बाबा ना बाबा। चलिए इसका आखिरी बंद पढ़ती हूँ, उसके बाद वो नज़्म पढ़नी है मुझे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कबाब में हड्डी की ज़रूरत क्यों होती है, और ये वो हड्डी है जिसकी वजह से पता नहीं कितने लोगों के कबाब बिक रहे हैं। तो हाँ, असल में पहले आपके कबाब बेचने वाले थे, नहीं हो सकता है कि यहाँ कोई दुकान वगैरह लगी हो कभी, उस पर कबाब बेचने का काम किया हो, तो उन्हें हड्डी की मालूमात बहुत है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। चार ये जो अंतिम बंद है, इसका आखिरी बंद है, मैं इन्हीं के सुपुर्द कर देती हूँ, सुनिएगा कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, मैं घर पे रास्ता देखूं तेरा बसती बसती डेरा, तू एक फेराई पंछी हर शाख पे तेरा बसेरा, और मुझ पर ये पाबंदी मैं नाम जपूं बस तेरा, तू चाहे बीवी अचार अरे रे बाबा ना बाबा।
मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। एक चैप्टर हमारे यहाँ क्लोज हो जाता है। दरअसल ये थोड़ी सी नोकझोंक नदीम भाई की और मेरी, सिर्फ इस वजह से कि आप में थोड़ी सी जिंदा दिली पैदा हो जाए और आप सब हम लोगों के साथ में जुड़ जाएं। और ये कवि सम्मेलन, ये मुशायरा जो हमारे आदरणीय हमारे सर अमन गिरी सर ने कवर करो, और कवर करो, कवर करो, और मधुकर शहदाई सर ने सजाया है। हकीकत बात है, आप सबसे ज़्यादा तो आप सब इस खूबसूरत मुशायरे में जितना आपने कामयाबी और जितना जिंदा दिली का सबूत दिया है, मैं आप सभी को मुबारकबाद पेश करती हूँ। एक बार ज़ोरदार तालियां आप सब अपने लिए बजा लीजिए। मैं यहाँ से एक छोटी सी नज़्म पढ़ना चाहती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया में हयात नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और जिनके वालिद वालदा इस दुनिया में हैं, उनका साया उनके बेटों पर बेटियों पर दाऊम रकायम रखे। मैं एक एक शख्स की शिरकत चाहती हूँ, मुझे बहुत अजीज है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि यूं तो है शे मैसी है बाजार में, यकीन कीजिए मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। और ये रमजानुल मुबारक का महीना है और इस महीने के बाबरकत महीने में ये एक हदिया माँ बाप उन माँ बाप के लिए जो इस दुनिया में नहीं है और जो इस दुनिया में है उन सभी के लिए, सुनिएगा। कि यूं तो है शे मैसी है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। यूं तो है शे मैसी है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में। जिंदगी भी फूले फले माँ की ममता के आंचल तले, वाह 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 वाह, आंचल तले। आपकी तालियां बहुत ज्यादा कमजोर थी, आप अगर थोड़ा सा दिल से अगर तालियां बजा देंगे तो यकीन कीजिए मेरी मेहनत वसूल होगी। मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है, आप इतने खामोशी से इस नज्म को मत सुनिए। एक माहौल जो मेरे सीनियर्स यहाँ आने वाले हैं उनके लिए बनना चाहिए। पढ़ती हूँ, सुनने कि माँ ने हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं। ग्रीसर सुनिएगा, मेरे भाई उधर ये जो रेड शर्ट में मेरे भाई बैठे हुए हैं, शायद हो सकता है कि बातें आप घर जाकर भी कर सकते हैं, और अगर आपको बातें ही करनी हैं तो आप इस बज़्म से इस महफिल से उठ जाइएगा, क्योंकि ये एक अदबी महफिल है। यहाँ पर गुफ्तगू ही करनी है तो गुफ्तगू आप घर जाकर भी कर सकते हैं। सुनिएगा मैं पढ़ती हूँ, शेर सुनाइए, ये बातें कहने के लिए मैं बैठा तो हूँ यहाँ। सुनिएगा मैं पढ़ती हूँ कि माँ ने अवतार जन में पयंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ ने अवतार जन में पयंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माता का तुस की एक ऊंची मीनार है, माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है। इसकी शफकत पे दुनिया पले माँ की ममता के आंचल तले। इस बंद में भी शिरकत कीजिएगा, समाज कीजिएगा कि माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है। क्या कहना, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं। इसकी बरकत से ही घर चले माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल। ये बंद भी पढ़ती हूँ, अरे खास समाज कीजिएगा कि माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा,
माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहकशा, माँ का आंचल है रहमत भरा साइबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहकशा, माँ की आंखें समंदर कोई बेकरा, माँ का लहजा हर एक के लिए मेहरबा, इसके कदमों से तूफान टले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। माँ का मर्तबा इतना बुलंद है तो उसका मतलब ये नहीं है कि एक पिता का मर्तबा या एक बाप का मर्तबा या वालिदैन के मर्तबा हमसे कम हो गया, माँ से कम हो गया वालिद मोहतरम का मर्तबा। मैं यह आखिरी बंद आप तक पहुंचाती हूँ, एक एक शख्स की शिरकत चाहती हूँ, सुनिएगा। और जितने भी वालिद मोहतरम यहाँ तशरीफ रखते हैं, मधुकर शहदाई सर और जितने मेरे सिंह हैं, उनके कदमों में रखते हुए ये बंद आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। कि गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं, गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद सवर जाएगी आखिरत आपकी, खुद सवर जाएगी आखिरत आपकी, हश्र के होंगे हल मसले, माँ की ममता के आंचल तले।